अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वलीद। दोस्तों, बच्चों की जिनसी तरबियत कैसे करें, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन माँ बाप दुनिया के कामों में इतना ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि इस सवाल पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। यानी अपने बच्चों की जिनसी तरबियत कैसे करें, वो इस चीज को नहीं ज्यादा फोकस करते। जिससे होता क्या है कि बच्चे जो मुस्तकबिल के ट्रैक पर गामजन होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों की तरफ गामजन हो जाते हैं, या वो खुद बुराइयों की तरफ ना भी गामजन हो तो कोई दूसरा शख्स उनको बुराइयों की तरफ गामजन करता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई शख्स उनके साथ कोई बुरा फेल करता है, यानी बुरा काम करता है, और बाद में उससे उसकी जिंदगी भी छीन लेता है। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए मेरी तरफ से ये छोटी सी काविश है, और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे, उनकी तरबियत के बारे में सोचे, और उनको बताएं कि मुआशरे के अंदर बुरा क्या है और अच्छा क्या है। तो दोस्तों, इस हवाले से आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए। तो इन बातों को पढ़िए, इनको समझिए और इन पर अमल कीजिए, ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर तर होता चले जाए। ये एप्लीकेशन कौन सी है और कहां से इंस्टॉल करना है, आइए अब आपको बताता हूं। दोस्तों, आपने अपने मोबाइल में मौजूद प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार के अंदर लिखना है बच्चों की जिनसी तरबियत। आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगी, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको पैगाम दिया कि बच्चों की जिनसी तरबियत कैसे करें। हमारा काम आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना था। अब आप इस पैगाम को कितना ज्यादा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते हैं, ये आप पर मुनहसर करता है। दोस्तों, मैं हूं वलीद और आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।